तो भी हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल लगी की मॉग में। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतने दिनों से गायब कहाँ हो गया था। जिन लोगों ने स्टोरी देख ली आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने गांव गया हुआ था। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जाके देख लो, अभी भी पड़ी हुई है। तो भाई पहली बात की यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज के बारे में। इसमें कौन कौन से स्मार्टफोन पे ऑफर्स हैं और क्या क्या ऑफर्स हैं और कौन कौन से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले फाइनली दोस्तों यहाँ पे अमेजोन वालों के साथ पंगा हो गया था मेरा, वरना तो दो दिन पहले ही 3 तारीख को मुझे मिल गया होता, लेकिन अब ये हमें मिल चुका है। गंदा हो गया थोड़ा सा, कैसा हो गया, वन प्लस नॉट, और साथ ही साथ में यहाँ पे रियलमी एक्स 3 भी तैयार है और साथ ही साथ में रेडमी के 20 प्रो भी तैयार है यहाँ पे इसके साथ में कंपीट करने के लिए। तो उसकी भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी पबजी टेस्ट के साथ साथ में, मजा आने वाली दोस्तों। तो अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियोस अभी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे से। तो पहले मैं बता दूं भाई, जो इनके प्लस मेंबर है उनके लिए भाई सेल ये आज ही से 5 अगस्त से स्टार्ट थी, और जो लोग यहाँ पे प्लस मेंबर नहीं है उनके लिए भैया ये 6 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक ये रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने 3 टाइप के ऑफर्स दे दिए। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई के इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, साथ ही साथ में डेबिट कार्ड पर भी आपको ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नो कॉस्ट जो ईएमआई पड़ती है वो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड पे होती है, लेकिन इस बार कुछ कुछ डेबिट कार्ड पे भी रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ में इन्होंने दिया हुआ है बजाज फिनसर्व का भी ऑप्शन, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ये फ्लिपकार्ट सेविंग डेज, ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, जो इससे पहले वाली जो ना फ्लिपकार्ट की सेल थी वहां पे हमने वीडियोस बनाई थी, तो उस पर बजाज फिनसर्व का ऑप्शन नहीं था। तो इस बार इन्होंने ये भी दिया हुआ है, तो भाई जो लोग बजाज फिनसर्व का यहाँ पे वेट कर रहे थे तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि भैया यहाँ पे कौन से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले आपको बता दूं यहाँ पे सिटी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट विच यू विल बी गेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्मार्टफोन, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 10% का क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का है तो उस पर भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं कि कौन से ऐसे स्मार्टफोन की डील्स है जिसके बारे में आपको वाकई में सोचने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आईफोन की बात कर लेता हूँ। मेरा सबसे पहले भाई यहाँ पे आईफोन एक्सआर दोस्तों यहाँ पे 64GB वाला वेरिएंट 45,000 में मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में 50,000 के आसपास में आपको मिला करता है। तो ये काफी बढ़िया डील से, खासकर गेमर्स के लिए, जो लोग पबजी वगैरह खेलते हैं तो आईफोन पे आपको पता ही परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, तो भाई उनके लिए ये आईफोन एक्सआर की डील काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी छोटी स्क्रीन भी आपके लिए चल जाएगी, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा छोटी स्क्रीन है, वो है आईफोन एसई 64GB का, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा 37,000 में। तो भाई ये दोनों डील्स थी आईफोन के बारे में। आईफोन के दूसरे भी मॉडल है, लेकिन उन पर कोई बहुत ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पे आ जाते हैं जिसपे की आपको कंसिडर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ओप्पो रेनो 10X जूम। अब आप लोग बोलेंगे यार ये तो कभी ओप्पो को बढ़िया बोलते ही नहीं था, अचानक से क्या हो गया इसको। तो भाई डील ही ऐसी है, यहाँ पे ओप्पो रेनो 10X जूम जो स्मार्टफोन है ये आपको 27,000 में देखने को मिल जाएगा, और ये मेरे हिसाब से इस प्राइस में इट इज द बेस्ट डील, क्योंकि यहाँ पे आपको रियलमी एक्स 2 प्रो भी आपको देखने को मिल रहा है, और वो भी आपको 28,000 में मिलेगा, जो इनका 128GB वाला वेरियंट है, जो ना बेस वाला वेरियंट है 8GB प्लस 128। तो उसके हिसाब से ओप्पो रेनो 10X जूम भाई यहाँ पे फुल ऑन यहाँ पे टक्कर देता है। और हाँ भाई नॉट से ज्यादा बेटर है, मैं पहले ही बता दूं नॉट से ज्यादा ही बेटर है रियलमी एक्स 2 प्रो एंड इवन द ओप्पो रेनो 10X जूम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेडमी K20 प्रो भी आपको देखने को मिल जाएगा 23,000 रुपीज में, जो कि काफी अच्छी डील है। और अगर बाय द वे आपके पास सिटी बैंक का जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास HDFC बैंक का है ना तो वो आप अमेजोन पे जो सेल जो चल रही है प्राइम मेंबर्स के लिए, उसमें आप 129 रुपीज पर मंथ का आप जो है प्राइम मेंबर्स दे करके, मतलब प्राइम मेंबरशिप परचेज कर लीजिए 129 रुपीज का पर मंथ के हिसाब से, केवल एक महीने के लिए परचेज करिए, उस सेल में आप पार्टिसिपेट करिए, और यहाँ पे 23,000 रुपीज में वहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है, पर वहां पे HDFC का वहां पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स हैं। ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे भी अदर फोन्स है, जैसे कि IQ3, ये एक काफी बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है, ये काफी ज्यादा ये अंडर रेटेड है, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, एक्चुअल में कुछ नया UI था तो काफी सारे बग्स लोगों को शुरुआत में मिल रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, पर स्टिल दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्मार्टफोन, जो कि आपको 31,990 रुपीज में देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। इसकी प्राइसिंग ज्यादा जाती है नॉर्मल डेज पे, ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पे IQ3 भी यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको Realme 6 Pro का दोस्तों यहाँ पे एक नया बढ़िया सा वेरिएंट है, इसका नाम दिया है इन्होंने लाइटनिंग रेड, काफी बढ़िया दिखने में मुझे लग रहा है, ये 17,999 रुपए में भी ये आ रहा है, तो इसी जो सेल में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में Realme C3 का एक वॉल्केनिक ग्रे कलर ये भी इसी सेल में आ रहा है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे Realme 6i और साथ ही साथ में M2 Pro की भी यहाँ पे सेल है, दोनों की एक ही दिन सेल है, यानी कि कल
12 बजे की सेल है दोनों की, तो आप चाहें तो उसको भी आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। 6 तारीख की सेल है 12 बजे की, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को भाई ये चाहिए कि फ्लैश सेल में कैसे स्मार्टफोन को परचेज करें, तो भाई यहाँ पे मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप जरूर से उन ट्रिकों को आप ट्राई करिए, आप डेफिनेटली परचेज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से यहाँ पे किसी भी स्मार्टफोन को किसी भी फ्लैश सेल में। ठीक, तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अदर चीजों में भी काफी बढ़िया यहाँ पे डील से, खासकर यहाँ पे मी टीवी जो यहाँ पे HD रेडी स्क्रीन के साथ में आ रहा है 32 इंच का, उसकी यहाँ पे प्राइसिंग आ रही है 12,000 रुपए, जो कि काफी ज्यादा सही है दोस्तों, और ये टीवी इस पर्टिकुलर प्राइस पे काफी ज्यादा बढ़िया है। बस यही है कि आपको फुल HD प्लस की स्क्रीन नहीं मिली, यहाँ पे HD प्लस की स्क्रीन मिल रही है, बस यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज जो मुझे लगा काफी ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर समय में, जो इस समय हमारी कंट्री जिस चीज से गुजर रही है, जो कि है कोरोना काल कहते हैं जिसको, तो बेसिकली यहाँ पे ओरिएंट का यूवी सैनिटेक्स सैनिटाइजर है, ये तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए, स्मार्टफोन्स वेजिटेबल्स और भी जितनी भी चीजें आप इसमें सैनिटाइज कर सकते हैं, तो आप चाहे तो इसको भी आप देख जो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी डील्स है, लेकिन जो हमारा जो यॉनर है स्मार्टफोन का, तो स्मार्टफोन पे कौन कौन से स्मार्टफोन पे बढ़िया डील्स आ रही थी और कैसे कैसे आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको यहाँ पे अमेजोन की भी डील चाहिए ना, तो जरूर से मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, हालांकि मैं वो कल वीडियो आपको मॉर्निंग में ही दे दूंगा। और साथ ही साथ में वन प्लस नॉर्ड का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी मैं आपको कल मॉर्निंग में दे दूंगा, और कल दोपहर में इसके साथ में कंपैरिजन आ जाएगा, और कल शाम को रेडमी के 30 के साथ में कंपैरिजन आ जाएगा। आप सोच लो कि कल क्या 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 होने वाला है। ठीक है, तो भाई जरूर से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग वीडियोस ऑन आवर चैनल। तो भी दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दीजिएगा एक लाइक, साथ ही साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो चलिए, दैट वाज ऑल, थैंक यू।